हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई क्लास में परफेक्ट मैथ 4 के पर। और मैं हूं आपका दोस्त आजम सैफी। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम। जल्दी आपका SSC MTS का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं एग्ज़ाम में। फटाफट अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। ऑप्शन A1 दिया है, जब तक राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश राज्य विधायिका द्वारा स्वीकार न किया जाए या अधिक से अधिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बिल्कुल गुड, जिसने ऑप्शन 4 लगाया है वो बिल्कुल ही सही है, 6 माह के लिए लागू रह सकता है। जिसने ऑप्शन 4 क्लिक किया है वो बिल्कुल एकदम सही है। अपना टेस्ट कर लीजिए कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट दिया, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश पर पुनः विचार का अधिकार प्रदान करता है। कीजिए कौन सा सही है आपका। वेरी गुड, जिसने ऑप्शन सेकंड चूज करा है बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 137। ऑप्शन सेकंड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट दिया है, भारत की संसद समस्त देश अथवा किसी भाग के लिए अंतर्राज्यीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है, ऐसे करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है दोस्तों, SSC MTS में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और आपको लगातार वही सिलेबस दिया जा रहा है जो कि कोर्स में है और आपको एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसका ऑप्शन बताइए मुझे कौन सा सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, जिसने ऑप्शन 4 लगाया बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी राज्य के लिए नहीं। ऑप्शन 4 वाले बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट दिया, विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिनियम 1999 में संशोधित किया गया था, वह अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। दोस्तों पिछले आप अनसॉल्वड उठा के देखेंगे तो लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए आप जल्दी से, जल्दी कीजिए। गुड, जिसने ऑप्शन 3 चूज करा है बिल्कुल ही करेक्ट है, 1970। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपका ये टेस्ट है, आपको ही पसंद आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट कीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। लगाइए इसका ऑप्शन, ठीक है, जिसने ऑप्शन 3 चूज किया है बिल्कुल करेक्ट किया है, अमानत राशि कहलाता है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, अगर आप ये अपनी ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को अगर आप 10 में से 10 सही कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आपका ये होने वाला है इस बार एग्जाम में, पूरी गारंटी लेता हूँ। और मुझे कमेंट में बता दीजिए सभी लोग कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। अब ज़्यादा समय है नहीं एग्जाम में, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ आज, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ उसके बाद बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट लगाइए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा, अभी SSC GT के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, जल्दी बताइए इसका ऑप्शन। जी बिल्कुल सही, जिसने ऑप्शन 3 चूज़ किया रामेश्वरम में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका ऑप्शन एकदम करेक्ट, रामेश्वरम में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट दिया है, तिरतन सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, वह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताइए। और दोस्तों बहुत ही जल्द हम आपको लाइव क्लास देने वाले हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी ज्ञान मिल सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बताइए मुझे कौन सा सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जिसका ऑप्शन बी है सेकंड है वो बिल्कुल सही है, जैन धर्म का सम्यक धारण सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान, ये जो है जैन धर्म की महिमा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, जिसका ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट लगाइए, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जब आप बर्फ के जो टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो आपस में जो है दोनों चिपक जाते हैं चुंबक की तरह, तो ऐसा क्यों होता है। लगाइए इसका क्वेश्चन, बिल्कुल सही, जिसका ऑप्शन सेकंड है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। वेरी गुड, जिसका ऑप्शन सेकंड है वह बहुत गुड है, बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट लगाइए, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान ज्ञात किया जाता है। वेरी गुड, जब आप जाते हैं सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच कराते हैं तो उसकी जांच में किसका अनुमान लगाया जाता है, तो बताइए इसका ऑप्शन करेक्ट बताइए मुझे। वेरी गुड, जिसका ऑप्शन ए है सीसा व कार्बन कण का इसमें अनुमान किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट, बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छा। जिसके अगर 10 में से अगर आपके 8 क्वेश्चन भी सही जाते हैं तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है, बहुत ही आपकी जी की मजबूत है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा आप हल्के में ना लें, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, जिसने अगर अच्छी स्टडी की है उसके लिए तो काफ़ी आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका ऐसा ही है तुक्का मार है तो भाई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि माइनस में नेगेटिव मार्किंग है तो माइनस में चले जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको रोज मॉडल या अनसॉल्वड लगवा रहा हूँ, तो मेरे साथ जुड़ जाइए आप।
और बहुत ही जल्दी हम अग्निवीर का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। टीचर्स भी की मैंने तलाश कर ली है मैथ के लिए, आपको पूरा सिलेबस दिलवाऊंगा मैथ का, जीरो लेवल्स आपको चलाएंगे और आपको पूरा सिम्प्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। सिम्प्लीफिकेशन से स्टार्ट करने के बाद आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया जाएगा, लास्ट तक हम आपको कराएंगे। और सबसे ज़्यादा हमारा चैप्टर चलेगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा हम चलवाएंगे मेंसुरेशन, क्योंकि बच्चों को स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेंसुरेशन में है। तो आपको ये मेंसुरेशन यहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल लगातार मिलेगी, मैथ की पूरी क्लास, जीएस की पूरी क्लास, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पूरी क्लास मिलेगी। बस आपके छोटे से सपोर्ट की ज़रूरत है। लगाइए रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब टिक कीजिए। बहुत अच्छे, जिसका ऑप्शन सी है, थ्री है, बिल्कुल अच्छा है। तो मुझे कमेंट करके बताइए किसके 10 में से 10 सही हुए, कौन ऐसा शेर है जिसके 10 में से 10 क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू फॉर स्टूडेंट, थैंक यू फ्रेंड्स।